मुंगेर में जमीनी विवाद में भाई और भतीजे ने मिलकर की बहन की गला रेतकर हत्या। हत्या करने के बाद गला के साथ हाथ की नस को काटते हुए सीने पर गेहूं का बोरा रखकर शव को बरामदे पर फेंका। घटना के बाद इलाके में फैली सनसनी। पूर्व में भी महिला के बेटे की हो चुकी है हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। दरअसल पूरा मामला मुंगेर जिला अंतर्गत असरगंज थाना क्षेत्र के चोर गांव बिंद टोला का है, जहां अहले सुबह 65 वर्षीय वृद्ध महिला जोगो देवी अपने पति कमल सरी बिंद की शव उसी के घर के बरामदे में पड़ा मिला। महिला के सीने पर गेहूं का बोरा रखा हुआ था और उसका गला रेता हुआ था और हाथ की नस काटकर हत्या की गई थी। हत्या के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही हत्या के बाद पूरा मामला पूरे थाना क्षेत्र में आग की तरह फैल गया। सूचना पर पहुंची और एसटीपीओ तारापुर मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। वही मृतक के पोते सूरज कुमार ने बताया है कि हम सभी घर में सोए हुए थे। उसकी दादी अपनी नतनी के साथ दूसरे रूम में सोई थी और आज तड़के सुबह जब मृतका की नतनी ने नाना को उठाकर बताया कि नानी नहीं है, जिसके बाद जब उसे खोजा गया तो मृतका का शव बरामदे में खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सीने पर गेहूं के दो बोरे रखे हुए थे। साथ ही बताया गया है कि मृतका के भाई गिरोबिंद से 5 डिसमिल जमीन का झगड़ा काफी दिनों से चल रहा था। उसके पिता की भी पूर्व में हत्या कर दी गई थी और गिरोबिंद उसका बेटा सुनील बिंद ने उसकी दादी की निर्मम हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचे तारापुर डीएसपी सिद्धू शेखर सिंह ने बताया है कि जमीनी विवाद में हत्या का मामला प्रकाश में आया है। वृद्ध महिला की हत्या, गला रेत कर हाथ की नस काट कर घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी भाई और भतीजा घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वही दो महिला को असरगंज थाना पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मेरी दादी सोई थी, उसके बाद डेढ़ से दो बजे के बीच बाथरूम आई थी, तो उसी समय जो यहाँ गिरा हुआ था वहाँ मार कर उसको ऊपर शरीर पे जो है गेहूँ का बढ़िया रख दिया गया था, पेट के ऊपर दो बढ़िया। तो चाहिए तो वो चिकनने लगा, नाना नाना नानी कहाँ चली गई, नानी कहाँ चली गई। तो नाना जब आया तो देखने लगा सगर, तो देखी कि नानी के ऊपर दो बढ़िया लगा हुआ है, खून का ब्लड चल रहा है, चाकू भोंका हुआ है। फिर हम जब चेक किए सही से तो हाथ भी कटा हुआ था। ये हमारा जो ये बगल वाला है सुनील बिन गिरो बिन बार बार हमको धमकी आते रहते थे घर में, उसे काट देंगे काट देंगे, और एक बार घुसा भी था मारने के लिए। तो उसके बाद हमने समझा दिए थे लेकिन नहीं, फिर ये अंत में आकर ये घटना वो कर दिया। उसका ज़मीन है जो कि 5 डिसमिल होगा मुश्किल से। कौन हुए? पोता पोता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है। दादी का क्या? दादी का नाम जोगा देवी है। कहाँ घर हुआ? घर चोरगांव पुरुषोत्तमपुर है। जमीनी विवाद के चलते जोगा देवी जिनका उम्र 65 साल है, उनकी हत्या कोई नुकीले अस्त्र से उनके गर्दन में सामने से करके छेद करके या घोप के कर दिया गया। उनकी हाथ भी कटी हुई है, दाहिने हाथ का कलाई। और इन लोगों का पूर्व में जमीनी विवाद था, जो इनके अपने ही भाई थे बिरोबिन, ये उन्हीं से था। गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी। जो बिरोबिन हैं या जो उनका लड़का है सुनील बिंद, वो यहाँ से फरार है। प्रथम दृष्टया इन लोगों ने उन लोगों पर आरोप लगाया है, उन लोगों से ही विवाद था, जमीनी विवाद, और किसी से कोई विवाद नहीं था। और संपत्ति विवाद में ही मेरी माँ की हत्या की गई है, जो उनके लड़के द्वारा बताया गया। सर पूर्व में भी बता रहे थे सर ऐसा है। हाँ, जैसा कि बताया गया कि इनके पिता की हत्या हुई थी, डेड बॉडी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था, और केस वगैरह भी लोग शायद नहीं किया था क्योंकि दाह संस्कार कर दिया बच्चा था।